अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आप सबकी मुंजेन दरबार शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाटा, आई लव फ्लाइंग किसी भी देरी। टाटा जयशु, आई लव बाबले। तो हम लोग आए हैं शीतल, ठीक है। फिर हमने लिया है ये कलाकंद, ये घाटिया लिया है और थोड़े बहुत और लेके। इसने शायान ने क्या लिया है? चीज बॉल। चलो ठीक है, तो हमने ले लिया है और जा रहे हैं घर। शहजान पता नहीं किधर है। शहजी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? अभी हम आए हैं दूसरे शीतल और हम लेंगे ये लंबे पाव। भैया एक दर्जन लंबा पाव दे दो। शहन और कुछ चाहिए? नहीं। तो लंबे पाव मैंने ये पाए के लिए लिए थे जो मम्मी ने बनाए हैं, तो उनकी रेसिपी आप उनके चैनल पे ज़रूर देखना। और जो हमेशा पाए, आई मीन पाए नहीं, मटन नहीं खाते हैं वो, उसके लिए चिकन की ग्रेवी साइड में बन रही है। तो गाइस जायशा भी आप लोगों को मछली जल की रानी है सुनाएगी। चलो जायशा जोर से, मछली जल की रानी है। हाथ लगाओ तो बाहर निकालो तो दोनों में मर जाएगी। यू नीड रिहर्सल जायशा। टाटा। हमारे घर में भूत हमारे घर में एक भूत है, पहचान कौन? जरा अपना घूंघट हटाइएगा जरा, या अल्लाह। तो इनकी तबीयत खराब है और ये स्टीम ले रहे हैं। तो क्या बोलना चाहोगे आप उषा जी? थोड़ी अपनी नाक बंद वाली आवाज सुना दो। कुछ बोलने के लायक नहीं होता। चलो चलो ले लो, आप कंटिन्यू करो स्टीम। बाद में मिलती हूँ। तो जैसे कि कल मैं चला रही थी बाइक, आज चला रहे हैं मिस्टर शहजाद शेख। और बहुत हाँ। मजा आ रहा है। कल मेरे को ज्यादा मजा आया मंजरी के पीछे बैठने, मेरे लिए नॉर्मल है मेरा चलाने का, कुछ अलग सा लगा। हम एक्चुअली जा रहे हैं बांद्रा क्योंकि मेरी खानों की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है। तो गाइज उनके लिए दुआ करना। उनकी क्लिप तो शायद मैं अक्षा को बोल दूंगी, उनकी जो बेटी है वो ले लेगी। उनकी हालत कैसी है आप लोग खुद देख लेना और उनके लिए दुआ करना। और बाकी सबका थोड़ा सा मूड चेयर करने के लिए हम दोनों वहाँ पर जा रहे हैं कि सब सैड है। हाँ, कल भी गए थे आज भी जा रहे हैं और उन लोगों को थोड़ा सा चेयर करने जा रहे हैं क्योंकि सब बहुत सैड बैठे हैं। और मैं तो हूँ ही ना वैसे बहुत मस्ती और बात हूँ नहीं, तो वहाँ पर सबका दिल बह जाता है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम लोग और देखते हैं सब कैसे है। और मेरी मामी की भी तबीयत खराब हो गई है, उनको अलग वो भी बेचारे कमज़ोर हो गए, उनको भी अलग मतलब पता नहीं शायद क्लाइमेट में है कि सब बीमार हो रहे हैं। और बस हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि सब बस खैर काफ़ी से रहे। बच्चे लोग का जैसा होता है ना, भूख लग जाती है रास्ते में, तो ये इनको भूख लग गई है। ये लो, तो घर से निकल रहे थे तब से भूख लग रही थी। हाँ, मुझे बदनाम करके रखे कि मैं खाती हूँ खाली। और मेरे ऑल टाइम फेवरेट केला और दूध है, मतलब बाहर हूँ भूख लग रही तो मैं यही खा लेता हूँ। अभी सुन्नत तरीका तो कोई और है, लेकिन अभी ये कोविड की वजह से डायरेक्ट खाना पड़ रहा है। तो ले लिए माशाल्लाह, हो गया लेके।
ऐसे खाली हाथ जाने अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बेस्ट बीमारों के लिए तो फ्रूट्स ही होता है और वेजिटेबल्स होते हैं, तो अभी वेजिटेबल तो कुछ मिला नहीं, तो ये फ्रूट से काम चला लेते हैं हम। ठीक है चलो चलते हैं अभी घर पे, बारिश होने वाली मुझे लग रहा है। सामने टर्फ है माशाल्लाह, सब खेल रहे, बहुत मस्त लग रहा है देख के। तो मेरे खालू यही हॉस्पिटल में एडमिट है, लीलावती हॉस्पिटल, क्योंकि ये घर से बहुत नज़दीक है। लेकिन अभी विजिट आज बंद हो चुके हैं और हम बस पहुंच भी गए इधर। तो मेरी मामी से मैं मिलने आ गई, मेरी मामी भी बीमार है, इनके लिए प्लीज दुआ करना। जी वीडियो में आते हो, वीडियो हिट होता है माशाल्लाह। और इनको देखो, इनकी बेटी उनकी खिदमत कर रही है। खुद की कर रही हो खिदमत? नहीं बेचारी कल से बहुत काम कर रही है, नहीं वो करती है संभाल। कल सबका खाना इसी ने ही बनवाया था। अरे नहीं मैं बताती हूँ, रुक। सो मामी क्या हो गया आपको? टाइफाइड हो गया ना मामी को? बोलते बोलू टाइफाइड हो गया? नहीं बोलो तो लोग आपके लिए दुआ करेंगे मामी। दुआ करो जल्दी अच्छी हो जाओ। और गाइस आप लोग को ना मामी के भाई से मिलाती हूँ, ट्विन ब्रदर। और ये मामी के डैडी है। और अरे कैफ सावरिया या अल्लाह। तो मामी इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आपके लिए सब देखना, मेरी फैमिली दुआ करेगी। मैं समझा मामी उनके मामी के भाई के कोई दोस्त वगैरह हो गए। डैडी लगे नहीं रहे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे को लगा ही नहीं। मेरी नानी क्या कर रही है? नानी नानी मेरी नानी बहू की खिदमत कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह नानी, आपको भी अल्लाह तंदुरुस्त रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम, दिवाली। ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? इसको देखने के लिए लोग तड़पते। हाँ अरे बस कर दे। और मेरी मम्मी भी इधर ही। मम्मी इधर देखो ना। मम्मी अच्छे लग रहे लेकिन माशाल्लाह। बस चालू हो गया इन लोग का। अरे बैठो बैठो बैठो। ए चेहरा दिखा। हाँ पैसे लगते कितने कितने छोटी मोटी हस्ती है भाई। ठीक है Caught in the act. चलो गाइस थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है? चलो अभी मैं बस बंद कर रही हूँ थोड़े टाइम के लिए। बाय बडीज। बाय फैम बोल। बाय फैम। बाय फैम। सो गाइज हॉस्पिटल नहीं जा पाए तो थोड़ी हम लोग अपनी खाला से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में, मतलब मेरे खालू है ना, तो बाहर मेरी खाला बैठे आईसीयू के, तो वो कुछ आप लोग से बोलना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट करने वाले है। बोलो बान। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी क्योंकि हम अभी आईसीयू में है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आ रही आ रही है। तो मैं स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ आईसीयू में हम लोग हैं, और आईसीयू में वैसे भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम सब पेशेंट हैं यहाँ पे। तो मैं स्लो बोलूँगी और मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे हस्बैंड आईसीयू में है, तो आप लोग प्लीज उनके लिए दुआ करना, दिल से दुआ करना, नाम लेके दुआ करना, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी, मतलब थोड़ी नहीं बोलेंगे, अगर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, पर दो दिन पहले वो थोड़ा उनके सर में क्लॉट आने की वजह से वो गिर गए थे बाथरूम में, तो उनको एक माइनर सा मतलब अटैक भी हुआ है, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। बट आप लोग की अगर दुआ रहेंगी ना इंशाल्लाह, जो चीज़ हल्की भी हुई ना वो और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप लोग से कि आप सब और सब जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग से प्यार करते हैं आप लोग, तो प्लीज मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए। रो रहे हो?
चलो चलो बान, कोई नहीं, हम लोग अभी ये लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह। देखो खालू जल्दी घर पर आ जाएंगे। गाइस उनका नाम आरिफ है, तो उनको मतलब उनके नाम से भी आप दुआ करोगे पर्सनली तो अच्छा रहेगा। जरूर जरूर इंशाल्लाह, बस यही उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ करेंगे इंशाल्लाह। चलो बान रो मत अभी आप। वैसे भी आपने मुंजरिन के ब्लॉग में पहले देखे थे, वो हमारे अनिल कपूर जी जो घंटी बजाओ बोलते हैं, तो आप लोगों को अगर याद रहेगा तो उन्हीं के लिए, जैसे आपको उनको पसंद आया था, जैसे उन्होंने बोले थे कि घंटी बजाओ हमारे अनिल कपूर जी, तो उनके लिए प्लीज आप दुआ कीजिए। जी जी, वो वही है जो हमारे अनिल कपूर इतने हैप्पी, तो सब अभी उनके वजह से थोड़े मतलब अभी वही सब अपसेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो हाँ। कोई नहीं बान, ये लोग सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करो, आप लोग की दुआ की जरूरत है, तो प्लीज आप लोग नाम लेके दुआ कीजिए। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ आप लोग से, तो आप लोग प्लीज प्लीज उनका नाम लेके दुआ करें इंशाल्लाह। वो अभी आईसीयू में है और आपकी दुआओं से वो बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलो चलो आप ख्याल रखो, आपसे बात करती हूँ मैं वापस। चलो अल्लाह हाफिज़। तो मम्मी बना रहे हैं अभी चाप, माशाल्लाह बहुत ही यम्मी लग रही है। अभी जैसे कि बान अभी हॉस्पिटल में है खालू के साथ, तो यहाँ पर ये पूरी सेवा कर रहे हैं, मतलब ध्यान रख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अभी घर में कुछ है ही नहीं है, कुर्बानी का मटन ही रखा हुआ था, तो मैं सोची यही बना दूँ और खत्म कर दूँ। और अभी हमारे जो चीजू है वो हॉस्पिटलाइज है, तो सब लोग आप लोग दुआ कीजिए उसके लिए। और मेरी भाभी है वो भी बीमार है, उन सबके लिए आप सब दरख्वास्त है हमारी कि आप सब उनके लिए दुआ कीजिए। और हर बीमार इंसान के लिए अल्लाह सबको शिफा दे। जी अल्लाह सबको शिफा दे, और सबके जो भी मतलब परेशान हाल है सबकी परेशानी आसान करे। हाँ चलो शुक्रिया, खाते भी खाना। तो मेरी बान अब भी जस्ट हॉस्पिटल से वापस है, उनको बुलाया गया क्योंकि कुछ कौन खाएगा ये सिचुएशन में, खा पी नहीं रहे। देखो ना हालत कैसी हो गई मेरी, हालांकि पहले वीडियो के देखो और अभी इनको देखो कैसी हालत हो गई है। हम लोग उनको जबरदस्ती खिला रहे हैं, क्या खा पति है ना पूरी एक दुनिया अलग हो जाती है, इनके बिना चलता भी नहीं। मतलब उनको ऐसे नजरों के सामने रहे, लीलावती हॉस्पिटल बाजू में ही है, इनके घर से बहुत नजदीक है, तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब एक ऐसे वहाँ पे घर का कोई जाता है और एक ऐसे घर से मतलब खा, तो बस यही है कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो भी है तो हम लोग इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए, और कोई आपको फिर हम एक बार जैसे ठीक होएगा ना, मैं वो वीडियो जरूर उनको बोलूंगी कि घंटी बजाओ बोलो वापस एक बार, तो इंशाल्लाह मेरे को खाला थोड़ा रेस्ट इंसान एक तो बीमार रहता है हॉस्पिटल में, लेकिन पूरा घर परेशान रहता है। और मैं सच बोलूं ना, मुझे मतलब ऐसे कुछ ब्लॉग बनाने का ये था नहीं, लेकिन सिर्फ एक रीजन की वजह से कि आप सब दुआ करेंगे, क्योंकि मम्मी भी हाँ ज्यादा करके मैंने इसको बोली थी कि मुंजरिन तू बनाती तो है ब्लॉग हमेशा आप लोग के लिए बनाती है, पर ये बनाना हमारे लिए इतना जरूरी था कि मेरी मेरी मतलब इसके लिए ये थी कि तू बोल लोगों को जो तेरे को इतने चाहने वाले हैं कि बोल प्लीज आप उनके लिए दुआ करो, ताकि जो मैं आज भी आई हूँ ना खाना खाने के लिए और वापस जाऊँगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी दुआ करो कि मैं उनको भी यहाँ पे लेकर आऊँ हमेशा, मतलब घर के अंदर हम मांगोगे हमारे। मैंने उनको बोला है कि मतलब थोड़ा खालू का क्लिप लेना कि आपको मतलब वो चीज़ भी शेयर करेंगे कि, तो आप उनकी हालत देखोगे वीडियो में, देखोगे जो वो थे और अभी देखोगे ना, तो आप लोग खुद को बहुत खराब लगेगा। तो जैसे मम्मी की जब तबीयत खराब थी, तो आप लोगों ने इतनी माशाल्लाह उनकी दुआ कर दी कि फास्ट रिकवरी हुई, इसीलिए मैंने बोली कि मुंजरिन जैसे मम्मी की दुआ के लिए बोली वैसे ही खालू की दुआ के लिए बोल, तो इंशाल्लाह दुआ बोलते ना कि दुआ की तकदीर बदल जाती, तो बेशक बेशक अल्लाह शिफा दे इंशाल्लाह। हम भी दुआ मतलब वो ना अपनी दुआ ज्यादा लगती है, लेकिन क्या पता किसकी नेकी ज्यादा हो और अल्लाह उनकी सुन ले, किसकी चाहते कि पूरा हो जाए, तो दुआ मतलब खालू भी ठीक हो जाए इंशाल्लाह, घर आ जाए वो और मामी भी ठीक हो जाए, उनकी भी तबीयत खराब है, तो बस आप इन दोनों के लिए दुआ करें कि दोनों फिट एंड फाइन हो जाए और घर आ जाए इंशाल्लाह। आओ फ्रेश हो जाओ, खा पी लो। तो जैसे कि मेरी बान ये लोग से हॉस्पिटल चले गए और अब मतलब लेट हो गया, तो हम भी घर निकल रहे हैं, इंशाल्लाह मेरे खालू जल्दी आ जाएंगे। तो नानी जज़ाकअल्लाह वो खैर के आपने इतना ख्याल रखा हम लोग आए, तो चलो अल्लाह हाफिज़।
सो गाइस, जैसे कि बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, हम साइड में रुक गए। हमें एक छत नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल से छत मिली है और अंदर आने तक ही भीग गए। एक्चुअली एक चूहा घूम रहा है उसमें भी, नजरें उधर है भी। एक चूहा परेशान कर रहा है, इधर कहीं घुसा हुआ है। तो अभी शायद स्लो ही है बारिश, हम लोग निकलते हैं अभी वापस। चलो चलो चलो। देखो ये मेरे हस्बैंड है, याद है ना आपको, इनके लिए दुआ करने के लिए मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज इनके लिए दुआ कीजिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हार्ट बीट वगैरह भी सही चल रही है। ये इनके हाथ में है, ये देखो, ये देखो इनके, ये चेस्ट में सब लगा है। ये बताना तो नहीं चाहिए था, पर मजबूरन सिर्फ दुआ के लिए और कुछ नहीं, कि हम चाहते हैं कि आप लोग सब दुआ कीजिए इनके लिए बस। बोलो कुछ तुम। हाँ, मुंजरिन का है ये ब्लॉग। पब्लिक तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना चाहती है, जैसे तुम बोलते ना, बेल बजाओ, बेल बजाओ, मुंजरिन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। ये हमारे अनिल कपूर, दुआ करो इनके लिए।